तो फ्रेंड्स बिना स्किप किए सारी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ये जानकारी सिर्फ आपको मैं स्कूटी के लिए नहीं दे रही हूँ, आप अगर कोई भी गाड़ी रेंट पर लेते हैं तो उसके लिए आप इस बात को लेके बिल्कुल सावधान रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गोवा व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको जानकारी देना चाह रही हूँ कि अगर आप रेंट पर स्कूटी लेने जा रहे हैं गोवा में तो किन बातों का आप खास कर ध्यान रखें ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। अगर आप गोवा जाते हैं तो आप एक स्कूटी रेंट पर लेते हैं ताकि आप गोवा को एक्सप्लोर कर सके, अच्छी तरह से घूम सके। जब आप स्कूटी लेने जा रहे हैं तो आप खासकर इन बातों का ध्यान रखिए कि स्कूटी पर कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है। स्क्रैच हो सकता है, डेंट हो सकती है या फिर कहीं टूटी फूटी हो सकती है। आप अच्छी तरह चेक कर लें और इंश्योर हो जाइए कि स्कूटी अच्छी कंडीशन में है भी या नहीं, उसके बाद ही आप ओनर से स्कूटी लें। उसके बाद आप स्कूटी लेने से पहले स्कूटी की पूरी वीडियो बना लीजिए, जहाँ भी आपको डाउट हो रही है कि यहाँ टूटी है, यहाँ स्क्रैच है। फिर क्या करिए कि वीडियो जो बनाई है आपने वो अपने पास भी सेव कर लीजिए और जिसके आप गाड़ी ले रहे हैं ओनर से उसको भी आप वीडियो व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, ताकि जब आप ओनर को गाड़ी वापस करें तो आप ये प्रूफ कर सके कि ये अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो मेरे द्वारा नहीं हुआ है। और इससे आपको ये फायदा भी होगा कि आप एक सेफ साइड में रहेंगे। आपको वीडियो बनाने का ये फायदा होगा कि अगर आपने कोई नुकसान नहीं किया है तो उसकी आपको पेमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो नहीं बनाई हुई है तो ओनर आपसे बोलेंगे कि ये नुकसान तो भाई आपसे हुआ और इसकी भरपाई आपको करके जानी पड़ेगी, या तो आप खुद बना के दीजिए या तो इसकी पेमेंट कीजिए। अब देखिए कोई भी जो टूरिस्ट है वो स्कूटी कब वापस करने जाएगा, जब वो पूरा घूम लेगा और जब उसकी या फ्लाइट होगी या ट्रेन होगी। उस समय क्या होगा कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा लड़ने झगड़ने का और ना स्कूटी बनवा के देने का, तो आपके पास एक ऑप्शन बचेगा कि आप उसकी पेमेंट करिए। पेमेंट भी करने के लिए आप तब तैयार होंगे ना जब वो गलती आपने की हो। तो इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए आप स्कूटी की वीडियो जरूर बनाइए और वीडियो अपने पास भी रखिए और ओनर को भी दीजिए, ताकि आप बिल्कुल सेफ साइड में रहें। एक्चुअली हम लोग अभी जो गोवा गए थे वो सेकेंड टाइम गए थे, तो हम लोग पहले भी जा चुके थे, तो इसलिए हम लोगों को आइडिया था कि किस तरह से कोई भी गलत पैसा वसूल सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने स्कूटी की पहले ही वीडियो बना ली थी ताकि हम बिल्कुल सेफ रहें। तो फिर जब हम लोग स्कूटी रिटर्न करने गए तो ओनर ने सबसे पहले गाड़ी पूरी अच्छी से चेक की और फिर चला कर भी देखी कि जैसे मैंने दी थी वैसी है कि नहीं। एक्चुअली ओनर को पता भी चल गया था कि हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो इसलिए उसने हम लोगों से कुछ झकझक नहीं की और हमारा जो आधार कार्ड है वो हमें तुरंत वापस कर दिया और हमें जाने दिया। देखिए मैंने तो गाड़ी के मीटर की भी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। एक्चुअली मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि आप लोग इस वीडियो को देखें और पहले से जान जाएं कि वहाँ स्कूटी लेने से पहले इस नियम को फॉलो कर लें तो आप सेफ रह सकते हैं। और एक जानकारी आपको दे देती हूँ गाड़ी से रिलेटेड कि वहाँ सुबह 9 बजे तक गाड़ी आपको वापस करनी रहती है। 9 बजे के बाद आपका सेकेंड डे का चार्ज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको गोवा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी। अगर आप गाड़ी रेंट पर ले रहे हैं तो सिर्फ आप येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी ही लें, व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ी बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो लोकल लोगों के लिए होती है। और अगर आप कहीं गलती से पकड़ा गए चेक इन में कि आप टूरिस्ट हैं और व्हाइट नंबर प्लेट गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चालान भी भरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा कोई ना कोई जानकारी देते रहती हूँ गोवा से रिलेटेड। इसके पहले भी मैंने एक गोवा के स्कैम से रिलेटेड वीडियो पोस्ट की हुई है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अभी वाली वीडियो भी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब लोगों को ये चीज़ का पता रहे कि गाड़ी लेने से पहले क्या नियम कानून फॉलो करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर
और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में।